नोटबंदी को एक महीना पूरा हो गया है, लेकिन 30 दिन बाद भी लोगों की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। अभी भी बैंकों और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। वहीं इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने एक बार फिर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। विपक्ष आज के दिन को काला दिवस के रूप में मना रहा है। इसको लेकर आज विपक्षी दल के सांसदों ने गांधी प्रतिमा के बाहर प्रदर्शन किया। सांसदों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। कांग्रेस के अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में करीब 14 दलों के सांसद शामिल हुए थे। वहीं इस दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने नोटबंदी के फैसले को बेकार फैसला बताया। राहुल गांधी ने दावा किया है कि कैशलेस इकोनॉमी के नाम पर पेटीएम की बात करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लोकसभा में बोलने का मौका मिला तो वह सभी को बताना चाहेंगे कि पेटीएम का अर्थ है पे टू मोदी। प्राइम मिनिस्टर टुक दिस सो कॉल्ड बोल्ड डिसीजन, but bold decisions can also be foolish decisions, and this was a foolish decision. It has devastated this country. Layoffs are happening today. I was just told L&T has laid off almost 1 lakh people. Farmers are dying, more than 100 people have died, and all this while the prime minister seems to be having a lot of fun. वहीं नोटबंदी के मुद्दे पर गुरुवार को भी संसद में घमासान जारी रहा। दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष का दावा है कि नोटबंदी की वजह से देश भर में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार उन्हें सदन में श्रद्धांजलि देने को तैयार नहीं है। जबकि सरकार का कहना है कि विपक्ष नोटबंदी के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है। तो नोटबंदी को लेकर विपक्ष का विरोध जारी है। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में अब तक कोई काम नहीं हो पाया है। नोटबंदी को एक महीना पूरा हो गया है और इस पर विपक्ष झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। देखते रहिए डीबी लाइव।